शामली के भवन थाना क्षेत्र में राजपूत समाज के सैकड़ों लोग हाईवे पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईवे पर सैकड़ों राजपूत समाज के लोगों ने जाम लगा दिया है। लोगों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम कर अपना विरोध जता रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों की मांग है कि फिल्म पद्मावत को बैन किया जाए। अगर कल फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में आग लगा दी जाएगी। वहीं राजपूतों के हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है। दरअसल मामला भवन थाना क्षेत्र के गांव हरड़ फतेहपुर का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम कर दिया है और फिल्म पद्मावत के विरोध में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपूतों की मांग है कि फिल्म पद्मावत को बैन किया जाए और अगर फिल्म किसी भी सिनेमाघरों में दिखाई जाती है तो सिनेमाघरों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं राजपूत समाज का ये भी कहना है कि मंत्री सुरेश राणा को उनके बीच लाया जाए, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक राजपूत समाज जाम नहीं खुलने देगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक जी, आपने जो जाम लगाया, क्यों जाम लगा रहे हैं, क्या मांग है? फिल्म पद्मावत बैन की जाए, पूरे भारत में बैन की जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब जो नौटंकी इस देश के अंदर चल रही है हमारे इतिहास को मिटाने की, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे बैन किया जाना चाहिए। कब तक सड़कों पर हो गया आप लोग? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले भी पलटे जाते रहे हैं। जलीकट्टू कांड जो हुआ है, जो हुआ था एक तमिलनाडु में, उसका भी फैसला बदला गया था, इसका भी फैसला बदला जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे बंद कर सकती है, उनके पास कानून की ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत इन्हें बंद किया जा सकता है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो अध्यादेश लाए, इसे बंद करे, तब तक हम सड़कों से नहीं उठेंगे। आंदोलन उग्र होगा? आंदोलन उग्र होगा अगर प्रशासन हमारे साथ करने को हमें मजबूर करता है तो उग्र होगा। शांति, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या कदम होगा अगर फिल्म रिलीज हो गई? जिस हॉल में भी, सिनेमा घर में भी फिल्म रिलीज होती है उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे, हॉल को आग के हवाले सिनेमा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ठाकुर रोशन सिंह पुंडीर। अच्छा रोशन भाई, आपने दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया, क्या मांग है, क्यों किया आपने? सर हमने ये जो हाईवे जाम किया है इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो ये मूवी इन्होंने बैन नहीं करी, कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार, कोई भी केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही, इसलिए हमने दिल्ली हाईवे सहारनपुर रोड जाम किया है। हम इस रोड पर तब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, चाहे हमें एक दिन लगाना पड़े, दो दिन, चाहे 10 दिन, चाहे महीना हो जाए, हम इस रोड पर से नहीं उठेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकंजन की रिपोर्ट।